क्या हो एक लड़की जो कभी भी किसी स्टोर में जाए, अगर उसे उसकी पसंद की चीज रहे तो उसके जो भी एक आशिक है, जो एक सीक्रेट आइडेंटिटी वाला बिजनेसमैन या बिलियनेयर इंसान है, वो उसे जो पसंद है उसे तुरंत ही खरीद के दे, और वो अभी तक हमारी हीरोइन के सामने आया नहीं है। तो आखिर ये लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, एंड ये इन दोनों की क्या मैरिज हो पाएगी या नहीं? तो और भी जो डिटेल है उसे जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए, एंड हम चल सीधा कहानी की तरफ। तो ऑडियो रिव्यू पोटेंशियल में आप सभी का वेलकम। ये स्टोरी में पहले बता दूं, ये स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है, 100% श्योर। तो प्लीज ईयरफोन लगा के सुनिए, और स्टोरी में सच में 100% गारंटी इन दोनों की मैरिज होगी, एंड ये सच में बहुत ही रोमांटिक है। तो हम चलते हैं सीधा इसके रियल नेम की तरफ। जैसा कि आप लोगों को कोई कर्सो राइटिंग में दिखाया जा रहा है, इसका रियल नेम आपको पता चलेगा तो आपको इजिली ढूंढने मनेगा, इजी। तो ये इसका रियल नेम है, एंड हम चलते हैं सीधा पॉज में आपको मिली जाएगा नेम। तो हम चलते हैं कहानी में कि क्या होता है, क्या इन दोनों की मैरिज होती है नहीं। ओके, जितना भी आपके सवाल है हम चलते हैं कहानी में। बात है कहानी में हमारी हीरोइन की, जो भी एक फादर है जो सगे हैं पर सौतेले से कम नहीं, एंड इसमें उनकी एक सौतेली मदर भी है। और ये बात यह है कि कहानी में हमारी हीरोइन अपने फादर को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती, साथ में अपनी सौतेली मदर से तो उम्मीद ही मत रखो, क्योंकि बात है कहानी इतनी सिंपल सी है। तो आपको जैसे जैसे आप स्टोरी सुनेंगे वैसे ऐसे आपको सच्चाई पता चलेगी। एंड हमारे हीरो की थोड़ी बहुत मैं डिटेल आपको दे दूं, वो एक बिनेलिया इंसान है, एंड वो निकले हमारे हीरो हीरोइन के जो फादर के ना बिजनेस पार्टनर है। तो कहानी में इन दोनों की बिजनेस पार्टनर में हमारी हीरोइन एक मतलब हमारे हीरो को जानती भी है और नहीं भी जानती, तो आप सभी को आगे के जवाब मिलेंगे। एंड चलते थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की तरफ, हमारे हीरो की फैमिली की तरफ। तो बात है हीरो की फैमिली में, उनकी एक दादी है, हाँ दादी और एक दादा है, एंड साथ में और शायद उनकी भी सौतेली कोई फैमिली है, और साथ में उनके घर में ही उनकी बुआ और उनकी बेटी रहती है। अब ये दोनों जो बुआ बेटी है ना भाई, मतलब हमारे हीरो की बुआ और उनकी बहन, या तो कह सकते बुआ की बेटी, ये दोनों विलन से कोई काम नहीं है, एंड नई नई मुसीबत यही दोनों खड़ा करने वाले हैं कहानी में। तो अभी इन दोनों की मतलब मैरिज किस स्टेप से होगी, आप स्टोरी सुनना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एंड वो सीक्रेट आइडेंटिटी वाले से शायद हमारी हीरोइन प्यार भी करने लगी है, तो क्या इन दोनों का राज कभी सामने आ पाएगा? एंड क्या हमारे हीरोइन को पता चलेगा कि वो जो जिस लड़के से मतलब उनकी मैरिज हुई है ये वही सीक्रेट आइडेंटिटी वाला लड़का है? तो बाकी सब जवाब आप ऑडियो जाके सुनिए। ये स्टोरी 100% लव स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एंड जैसे कि मैरिज हमें मिल गया है कि स्टोरी में क्या होता है, और यहाँ एक मेन पॉइंट है कि हमारे हीरो को भाई परफेक्ट लड़की पसंद है। जैसे कि हमारे हीरो बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो हर चीज वो परफेक्ट करते हैं, अब हमारे हीरोइन से भी वही उम्मीद रखे। तो अब देखते हैं लाइफ में क्या क्या मोड़ आता है इन दोनों की कहानी में। एंड स्टोरी चलिए समाप्त होती है रिव्यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह हिंदी ऑडियो के रिव्यू जानने के लिए।